उत्तर प्रदेश के बहराइच में की घटना पर आपको ले चलूं, उससे पहले आपको बताऊं इसमें सारे पहलुओं को कवर किया जाए जिसको वैल्यू एडिशन बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा माता की मूर्ति का विसर्जन था। रविवार रात का समय था और रविवार रात को दुर्गा माता के मूर्ति विसर्जन में वो जब मलेच्छ के इलाके से ये गुजर रहे थे हिंदू मूर्तियों को लेकर, तो मलेच्छों ने डीजे का तार काटा और पूरी गली को दोनों तरफ से घेरा, सारे हिंदू मारे जाते, घेरा और उसके बाद एक मकान से फायरिंग शुरू कर दी, पथराव किया, गोलीबारी की। उसी में एक लड़का जो उनके मकान में घुसा था, ये कहा जा रहा है कि उसने जिस मकान पर से पथराव हो रहे थे उस पर हरा झंडा, पाकिस्तानी झंडा फहराया जा रहा था, उसने उस पाकिस्तानी झंडे को उतारा कथित रूप से, ये और कंफर्म होना है, और भगवा झंडा फहरा दिया, उसे पकड़कर गोली मार दिया गया, 6 गोली, गोपाल मिश्र नाम है। अब मैं आपको उसके बाद बहराइच में सोमवार सुबह तक ये दंगे होते रहे हैं, आगजनी और तोड़फोड़ हुई, दुकानों और घरों में आग लगाई गई, तोड़फोड़ की गई, बाइक के एक नए शोरूम में आग लगाया गया, एक पूरे अस्पताल को आग के हवाले कर दिया गया, दवाइयों को जलाया गया, ग्रामीण क्षेत्र तक में हिंसा बढ़ गई और चंदपैया और कबड़िया पुरवा गांव में गांव के अंदर आगजनी हुई, दंगे हुई। ये दंगा बहुत बड़ा है, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के माथे पर ये दाग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके 17 के बाद से मुख्यमंत्री काल में ये सबसे बड़ा दंगा है उत्तर प्रदेश में। कई घर जला दिए गए, वाहनों को आग के हवाले किया गया। अब घटनाक्रम को समझते हैं। बहराइच का ये महसी तहसील है, महाराजगंज कस्बा में ये जो है दुर्गा माता के मूर्ति के विसर्जन के लिए पूजा समिति के सदस्य ले जा रहे थे। उसी समय मलेच्छ समुदाय के इलाके से गुजर रहे थे, मलेच्छ समुदायों ने इस पर आपत्ति किया कि उनके इलाके से मूर्तियों का की शोभा यात्रा नहीं गुजरनी चाहिए। बहस होने लगा, उन लोगों ने पथराव किया और पथराव में दुर्गा माता की प्रतिमा खंडित हो गई, उनकी एक बांह या उंगली टूट गई। उसके बाद गहमागहमी होने लगी। उसी गहमागहमी में ये रामगोपाल मिश्र जो 24 साल का मात्र लड़का है और 6 महीने पहले उसका विवाह हुआ है और उसका दोस्त राजन जो 28 साल का है, इन लोगों को घसीट लिया गया। जो मलेच्छ पत्रकार बिरादरी है वो कह रही है कि ये झंडा, हरा झंडा उतार के यानी पाकिस्तानी झंडा उतार के भगवा फहराने गया इसलिए मारा, लेकिन जो वहां के प्रत्यक्षदर्शी हैं वो कह रहे हैं उसको घसीट लिया गया और उसको मार दिया गया। और ये जो है आपको उसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। बहराइच सीतापुर हाईवे पर चहलारी घाट पुल के पास लोगों ने प्रदर्शन किया, हाईवे को जाम किया और कहा कि हम, और रातों रात आनन फानन में पुलिस ने पोस्टमार्टम भी करा दिए, कवर अप, पोस्टमार्टम भी कराया और प्रेशर डाला कि सबको जलाओ। हिंदुओं ने जब प्रदर्शन करने का प्रयास किया तो हिंदुओं पे कोहराम मचाती हुई लाठीचार्ज हुई। प्रत्यक्षदर्शी जो कह रहे हैं मैं उसके हिसाब से आपको रिपोर्ट बता रहा हूं। ये प्रतिमा शांति पूर्वक विसर्जन के लिए जा रही थी, महाराजगंज कस्बे में पहुंचने पर वहां का जो मलेच्छ बस्ती है उसका एक अब्दुल हमीद है और उसका बेटा सबलू, सरफराज, फहीम, ये लोग पहुंच गया और पूरे गली को घेर लिया गया और गाली गलौज शुरू करके डीजे का तार काट दिया गया जो है, और ऊपर से पथराव शुरू हो गया। यानी दंगे की योजना पहले से थी क्योंकि आसपास के घरों में पत्थर जमा कर लिए गए थे, बोतल जमा कर लिए गए थे, बंदूक जमा कर लिए गए थे और मस्जिद से उसी तरह उकसाया जा रहा था जैसे गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस को जलाने के लिए उकसाया जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने स्पष्ट कहा है और कुछ मीडिया रिपोर्ट में भी आई है, वो भी आपको बताता हूं, शायद जी का होगा दिखाना, कि मस्जिद से उकसाया जा रहा था, यानी मस्जिद की भी पूरी भूमिका थी इसमें और पथराव शुरू हो गया। उसके बाद
हमीद और उसके साथ मौजूद हजारों के टिड्डों की भीड़ ने उपद्रव शुरू कर दिया। अरे टिड्डों की भीड़ ने उपद्रव शुरू कर दिया। उसके बाद रामगोपाल मिश्र को खींच लिया गया, 6 गोलियां मारी गई, 3 गोली उसके मिली है उसमें, नाखून उसके उखाड़ लिए गए, बिल्कुल पाकिस्तानी बर्बरता का नंगा नाच किया गया। ये मस्जिद आप देख लीजिए, वहां से नाराए तकरीर किया गया। रामगोपाल की मौत के बाद गुस्सा भड़का, प्रदर्शन हिंदुओं ने भी किया, तो हिंदुओं के प्रदर्शन पे लाठी चार्ज। एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति, यानी जो पागल जिसको कहते हैं, जो ओरिजिनली बीमार है, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कैसे दौड़ा के मारा है आप देखिए। ये यही कांग्रेस की सरकार की पुलिस होती तो अभी तक मास्टर स्ट्रोकवादी नंगे नाच रहे होते कहीं पर, अभी तक आईटी सेल देश में आग लगा रही होती। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है तो कैसे हिंदुओं के मार, देखिए ये पुलिस ने ये गत बनाया है। एक विक्षिप्त व्यक्ति है, ये पागल है, ये लोग कह रहे हैं ये पागल है, उसको क्यों मारा पुलिस कारी, हमने तो नहीं मारा, सामने आपको मारता हुआ दिख रहा, ये स्थिति है। मलेच्छों को तो ये छू भी नहीं सकते, चाहे दिल्ली दंगा दो लो, गुजरात दंगा लो। गुजरात में भी जो नरेंद्र मोदी की सरकार थी 2002 में, गोलियां हिंदुओं को मारी गई, मलेच्छों को नहीं छुआ गया। योगी ने भी वही किया, वो बड़े मोदी के प्रतिकृति बनते जा रहे हैं योगी, प्रतिकृति काम पे बन गए विश्व के मोदी, तो हमें भी तो बनना है। तो वो ही प्रतिकृति, वो डमी व्यक्तित्व को ओढ़ते जा रहे हैं, अपने व्यक्तित्व को छोड़ते जा रहे हैं। ये योगी के वर्किंग स्टाइल नहीं है, सांसद योगी जिनको हम लोगों ने देखा जाना है, उनका ये वर्किंग स्टाइल नहीं था। जो वर्किंग स्टाइल, और एक बात ध्यान रखिए, मुझे आपको आपको पता चलेगा, ऊपर के आदेश को ही पुलिस फॉलो करती है। गुजरात में ऊपर का आदेश था तभी 300 हिंदू गोली से मारे गए, प्रवीण तोगड़िया जी ने आंकड़े दिए थे, और मलिच्छे नहीं मारे गए। उसके बाद मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए सपा की सरकार में, तो ऊपर का आदेश था कि मुस्लिमों के विरुद्ध आप FIR नहीं करोगे। 2 जो हिंदू जाट भाई की बहन को छेड़ा, वो जब FIR कराने गए तो उन्हीं को पकड़ लिया गया। ऊपर के आदेश को मैं आपको बता रहा हूं फॉलो किया जाता है। यहां भी ऊपर का आदेश, हरे टिड्डो को कुछ नहीं करना, हिंदुओं पर डंडे चला देना। क्योंकि 2 दिन पहले डासना में पुलिस ने डंडा खुलाम चलाया है, लोगों को, महिला पत्रकारों तक को पीटा है। तो जब हिंदू कुछ बोल ही नहीं सकता क्योंकि उनकी अपनी सरकार है, तो फिर खुल के खुला खेल फरूकाबादी हो रहा है। तो परिजनों ने सबके का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया, उस पर भी जो है पुलिस पगलाई, और फिर अंतिम संस्कार के लिए आश्वासन दिया कि हम पकड़ेंगे अपराधियों को। फिर हुआ इस आरोप में हरे टिड्डे समुदाय के, हरे टिड्डा मैं इसलिए कह रहा हूं, कई लोग मुझे बुरा मानते हैं, मलेच्छ में कहता हूं हरे टिड्डे, क्योंकि ये दंगाई समुदाय, अगर तुम अपने आप को दंगाई से कोरिलेट करते हो तो तुम हरे टिड्डे हो। हरे टिड्डे समुदाय के लोग रामगोपाल मिश्र को घसीट कर ले गए, वहां उसकी बर्बरता के साथ पिटाई की, पैर के नाखून उखाड़ लिए और उसे गोलियां मार दी। राजन सहित 12 लोगों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पुलिस पर क्या गंभीर आरोप है? महाराजगंज की घटना के बाद पुलिस और प्रशासन साफ दिख रहा है कि वो एक तरफा बनी हुई है। लोगों का आरोप है कि गाने को लेकर जब कहा कि बंद करो DJ, तो पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बने रहे, प्रोसेशन में घुसकर हरे टिड्डे उत्पात मचा रहे हैं, लेकिन पुलिस मूक है। पुलिस ने ऐसा लगता है कि पुलिस या तो जंग लग गई है, या पुलिस को आदेश है कि होने दो, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के उपचुनाव भी, बिना इसके तो किसी राजनीतिक पार्टी को खाद पानी मिलता नहीं। जब तक 2-4 इधर इधर उधर के नाम आ रहे, तब तक राजनीतिक पार्टियों को खाद पानी मिलता नहीं। सपा मुस्लिम मुद्दे को लेकर उठ गई है, भाजपा हिंदू मुद्दे को लेकर उठ गई है। इसमें जो मेन घटना हुई है, गोपाल मिश्र के घर में कौन पूछने जा रहा है, चुनाव 10 सीटों पे उपचुनाव है, उससे भी इसको जोड़ कर देखा जा रहा है। मौके पर ऐसे मौजूद ही नहीं था, इतनी बड़ी घटना हो गई। जब पथराव हुआ और लोगों ने प्रदर्शन किया, तो पुलिस ने विसर्जन में शामिल लोगों पर ही लाठीचार्ज कर दिया, जिससे भगदड़ मच गई और दूसरे और हरे टिड्डे रामगोपाल को उठाकर ले गए।
ये आपको पुलिस पर गंभीर आरोप है, ये तुम अमर उजाला की खबर खोलो, उसमें पुलिस पर गंभीर आरोप को अंडरलाइन करो ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं अपने मन से कह रहा हूं। जागरण, अमर उजाला, ये सब यूपी के अखबार हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, तो आपको बता रहा हूं कि पुलिस ने विसर्जन में शामिल लोगों पर ही लाठी चार्ज कर दिया जिससे भगदड़ मच गई, और अखबार ने तो दूसरे समुदाय लिखा है, ये तो अब लिखते ही नहीं है, ये तो अब एक तरह से आपातकाल है। अब आप देखिए नीचे जाओ, पुलिस पर गंभीर आरोप जो होगा, पुलिस पर गंभीर आरोप, ये रहा पुलिस पर गंभीर आरोप, ये देखिए ये पोर्शन, और नीचे उसका जो पैरा है उसको कलर कर दो, उसी पैरा को पुलिस पर गंभीर आरोप है। पुलिस ने विसर्जन में शामिल लोगों पर ही लाठी चार्ज कर दिया, भगदड़ मच गई और दूसरे समुदाय के लोग राम गोपाल को उठा ले गए, यानी कि मलिच समुदाय के लोग। विसर्जन जुलूस में मृत हुए राम गोपाल का शव गांव पहुंचने पर भीड़ उग्र हुई, भीड़ ने जगह जगह तोड़फोड़ आगजनी की। तोड़फोड़ और आगजनी की सूचना योगी आदित्यनाथ तक पहुंची, उन्होंने एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश को रवाना किया। बहराइच पहुंचने पर अमिताभ यश ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया, ये जो है ये गोली, ये रहने दो गोली। महसी के रामपुरवा चौकी पर क्रोधित भीड़ ने एडीजी के सामने जब तोड़फोड़ की तो उन्होंने पिस्टल से हवा में फायरिंग की। हिंदुओं को समझाने की जगह फायरिंग हो रही और लाठी चल रही, ऐसा ही हुआ था गुजरात में, तो आपको समझ में आ रहा है। फिर मौके पर पीएसी तैनात कर दी गई। एडीजी अमिताभ यश की टीम के साथ महाराजगंज कस्बे की ओर रवाना हुए। परिजन पुलिस के समझाने पर माने, सबका अंतिम संस्कार किया। इंटरनेट सेवा वहां बंद कर दी गई है। महसी और महाराजगंज के पूरे क्षेत्र में आगजनी की घटनाएं चल रही थी सोमवार तक, और ये जो है इसमें मुख्य आरोपी जो जिसको राम गोपाल को गोली मारने वालों जो मुख्य आरोपी है उसका नाम सलमान है, मलिच बिरादरी से। 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 20 से 25 लोगों को हिरासत में लेने की खबर है, और रात भर नारे गूंजते रहे लोगों के। अब इसमें पॉइंट वाइज मैं कुछ घटना आपको बता देता हूं। बहराइच मासी विधानसभा के बीजेपी विधायक हैं, अब उनका बयान दिखा देता हूं आपको। सुरेश्वर सिंह ने, उन्होंने साफ बताया कि महाराजगंज में मूर्ति विसर्जन के दौरान हनीफ नाप के नाम के लड़के ने माइक का तार निकाल दिया, जिसके बाद हंगामा शुरू हुआ। वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने मूर्ति विसर्जन करने वालों पर लाठी चला दी। ये बहराइच विधानसभा के बीजेपी विधायक का बयान है, संदीप देव अपने मन से नहीं कह रहा। भाजपा के विधायक ने कहा कि मूर्ति विसर्जन करने वालों पर ही पुलिस ने लाठी चलाई, जिसके बाद बवाल बढ़ा। हनीफ एक युवक को अंदर खींच कर ले गया और उसको गोली मार दी। अब ये जो झंडा फहराने वाली बात जो मैंने आपको बताई है वो किन पत्रकारों ने फैलाया है वो आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला का बयान। महसी में मुस्लिम क्षेत्र से विसर्जन जुलूस निकलते हुए तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जहां पर दो पक्षों का आमना सामना हुआ। हिंदू पक्ष के एक व्यक्ति पर हमला किया गया, जिसके बाद तनाव हुआ। अब विसर्जन शुरू हो गया है, अराजक तत्वों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। एक सलमान को नामजद किया गया जिसके घर से फायरिंग हुई, ये एसपी का बयान आपको दिखा दिया। और डीजे को बंद करके मूर्ति विसर्जन के लिए हिंदुओं को कहा गया। बहराइच के जुलूस में ये जो पथराव आदि हुए उसकी प्लानिंग पहले से की गई थी। चश्मदीद कह रहे हैं कि जहां पर ये विवाद हुआ वहां पहले से उपद्रव और आगजनी की तैयारी थी। उपद्रव के दौरान इस्लामिक झंडे फहराए गए, पाकिस्तान वाले झंडे फहराए गए और भगवे झंडे को तोड़ा गया। उपद्रव के दौरान कांच की बोतल और कैरेट, जिसमें बोतल लगते हैं कोको कोला और ये सब, मस्जिद और कई छतों घरों की छत पर रखी गई थी। मस्जिद से भी ये हुआ है। ज्यादातर घरों के बाहर पत्थर इकट्ठा किया गया। नजदीकी मस्जिदों से भड़काऊ ऐलान किए गए, ये जरा जी न्यूज वाला दिखा दो, लोगों को लगेगा मैं अपने मन से कह रहा हूं। फिर प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि दोनों तरफ से गलियों को जुलूस गली को घेर कर जुलूस को पैक कर दिया गया, यानी अब
बड़ी संख्या में हिंदुओं के संघार होते ताकि भीड़ में फंस जाए। ये देखिए भीड़ में वो हिंदू फंस जाए। मूर्ति विसर्जन के जुलूस में डीजे वाली गाड़ी को तोड़ा गया, मलेच्छों ने मूर्ति को खंडित कर दिया और गाड़ी भी तोड़ दी। कई राउंड फायरिंग की गई, तलवार जैसे हथियार का प्रयोग किया गया। सभी ने बताया कि पहले से मारने की प्लानिंग थी, पत्थर तलवार आदि पहले से थे। ये आप बांग्लादेश की खबर नहीं सुन रहे हो, ये यूपी की खबर सुन रहे हो। बांग्लादेश में तो ये होता ही है, ये यूपी की खबर आप सुन रहे हो। फिर एक प्रत्यक्षदर्शी का बयान छापा है। महसी तहसील की प्रतिमा शांति के लिए जब जा रही थी, शांति के साथ जा रही थी, तो मलेच्छों ने गाली गलौज शुरू कर दिया और मूर्ति के साथ चल रहे युवकों ने जब विरोध किया तो छतों से पत्थरबाजी की। सेम गोधरा पैटर्न, छत महिलाओं को आगे, बच्चों को आगे, मस्जिद सेम। ये पूरी ये बिरादरी जहां भी है, मलेच्छ बिरादरी, उसके दंगे का सेम पैटर्न है, कुछ भी अलग नहीं। मां दुर्गा के हाथ को खंडित कर दिया, उसके बाद लोगों ने प्रदर्शन किया इसको लेकर। फिर ये जो रामगोपाल मिश्र हैं वो रेहुआ के निवासी हैं, 6 महीने पहले उनका विवाह हुआ मात्र। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पत्थरबाजी और उपद्रव को लेकर मस्जिद से बकायदा ऐलान किया गया। बहराइच के हरदी में रविवार शाम ये जो हुआ वो मस्जिद से ऐलान किया और 20 से ज्यादा राउंड गोलीबारी की गई हिंदुओं पे, आधा दर्जन लोग घायल हैं। तो जो साजिश के सबूत मिले हैं वो यही है कि हर घर के बाहर, हर घर के छत पे पत्थर इकट्ठा था, मस्जिद से ऐलान हो रहा था, तलवार था, गोली था, बंदूक था। इसमें कस्बा निवासी सोनार अब्दुल हमीद, बेटे सबलू, सफराज, फहीम, एक दर्जन बेटों के साथ, एक दर्जन तो होते ही है सब बेटों के साथ। बाफी जब ऐसा है उस बिरादरी की, आप सोचिए जब बाफी दंग आई है तो बेटा कितना बड़ा दंग आई होगा। और गाली गलौज शुरू किया। तो ये जो है इसमें आपको जो भाजपा के विधायक हैं, पहले पत्रकार रहे सलम मणि त्रिपाठी, उनका मैं आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूं। और जो स्टेटमेंट में उन्होंने पत्रकारों के लिस्ट जारी किए हैं, भाजपा के विधायक के द्वारा जारी हुआ, पत्रकार थे ये पहले सलम मणि त्रिपाठी। गोपाल मिश्र का हरा झंडा उतारने का वीडियो तो सामने आ गया, फिर ये आरोप लगा कि वो तो हरा झंडा उतारने गया था, परंतु उससे ठीक पहले उसी घर से दुर्गा प्रतिमा पर हमले, फायरिंग, पथराव और फिर गोपाल मिश्र की नृशंस हत्या का वीडियो क्यों गायब किया गया? इसका जवाब बहराइच के पत्रकारों की इस लिस्ट में छुपा है। अब बहराइच के पत्रकारों का लिस्ट देख लीजिए, आपको कौन कौन पत्रकार हैं, यानी ये प्लानिंग थी, क्योंकि उन्हीं पत्रकारों को तैनात किया गया जो उस बिरादरी से आते हैं, उस मजहब से आते हैं। उसके नीचे वाला दिखाइए, फराज के न्यूज, तारिक स्वदेश न्यूज, ये भाजपा के विधायक ने जारी किया है और पत्रकार हैं वो थे सलम मणि, तारिक स्वदेश न्यूज, अरशद अरशद कुडोज पीटीआई वीडियो, अब्दुल रहमान इंडिया टीवी। अब आप ध्यान से देखते जाइए, आप स्वदेश न्यूज भी संगी, इंडिया टीवी भी संगी, लेकिन सब जगह क्या क्या है आप देखते हैं। खालिद हुसैन भारत 24, सलीम सिद्दीकी अडानी वाली टीवी एनडीटीवी, रेहान कादरी भारत समाचार, मोहम्मद कासिफ भास्कर टीवी, मोनिस अजीज न्यूज 24, कादरी मसूद न्यूज 1 इंडिया, अजीम मिर्जा ANI, परवेज रिजवी ABP, सैयद कलवी अब्बास सहारा टीवी। अब ये जो एक ही बिरादरी के समुदाय के सारे पत्रकार थे, इसका मतलब दो निकलता है। मतलब नंबर 1 कि दंगे की पहले से तैयारी थी और दंगाई मलेच्छ ग्रुप ने अपने पत्रकार साथियों के जरिए कि रिपोर्टिंग भी होगा तो तुम लोग आना ताकि एक तरफा रिपोर्टिंग हो, तो वहां कोई प्रभावशाली ने इस पूरे दंगा को स्क्रिप्टेड किया है, एक बार। दूसरा कि जब सरकार की तरफ से ये जारी हो रहा है और जिस तरह से पुलिस लाठी चार्ज किया गया, इसमें सरकार की संलिप्तता का एक एंगल बनता है, क्योंकि दंगा में के बाद हिंदुओं पे लाठी चार्ज हुआ है और इस चुनाव के बाद
मैंने इसके बाद अभी 10 सीटों पे चुनाव है और उत्तर प्रदेश विधानसभा की सीटों पे उपचुनाव है, मिल्कीपुर कटेहरी विधानसभा आदि, ये सब इससे जुड़े हुए हैं और ये पूरा गोल बंद करने का तरीका तो नहीं है। इसलिए ये लिस्ट जब सरकार के पास था वो इंडिया टीवी स्वदेश टीवी को तो कह सकता कि ढंग के पत्रकार भेजो, आप देख लीजिए, ताकि सरकार को भी एक तरफा रिपोर्टिंग से हिंदू जो आक्रोशित होता है वो एक अवसर मिले। तो ये मैं नहीं कर रहा, ये दो संभावनाएं हैं। संभावना नंबर वन कि दंगा स्क्रिप्टेड था, साजिश था, ये तो दिख रहा है हथियार पत्थर बोतल आदि से और घेर के जो मारने का प्रयास था, और दंगाई में कोई बड़ा चेहरा है जो इन टीवी के चैनलों को मैनेज कर रहा है कि हमारी बिरादरी के पत्रकार भेजो, कोई बड़ा चेहरा,